अच्छा, ये इस शो का एक व्हाट्सएप ग्रुप है? नहीं अरे नहीं, अच्छा तुम नहीं हो, कास्ट का नहीं, कास्ट का नहीं, अच्छा उसमें क्रिएटर्स भी है यार। देखा तुमने इन्होंने क्या किया? क्या किया इन्होंने? शो का इज अ वेरी गुड सोल, तो सोल दिखा रहे जूते। अरे यार यही इनका, ये मैं, मुझे हंसी नहीं आती अब इस मूवी पे, आई एम वेरी यूज्ड टू इट। अच्छा अच्छा, ये इस सवाल का आज जवाब देना ही पड़ेगा। इफ यू आर ऑन रेडियो नशा, यू हैव टू नाउ टेल अस, सॉरी काव्या, सॉरी, लेकिन क्या वनराज और अनुपमा आर दे एवर गेटिंग टुगेदर अगेन? रेडियो नशा, यू नो, ओके बोथ ऑफ यू, दैट दिस शो वुड बिकम दिस बिग। आपको कभी इसका इल्म था कि ये इतना बड़ा होता? जब इस शो को साइन किया था आप लोगों ने, क्यों साइन किया था? एम तो हमारा यही था, हमारी सोच इंटेंशन यही थी कि हम इतना इस शो जिसके साथ जुड़ रहे हैं, ऑफ कोर्स वो पाथ ब्रेकिंग बन जाए तो दैट इज व्हाट वी प्रेड फॉर, बट टचवुड उसका हो जाना इतनी जल्दी एंड तब से लेकर अब तक नंबर वन पोजीशन पर कंसिस्टेंट। बट यू नो, आई वुड से, यू नो, सॉरी टू से दिस, बट दैट इज एन ऑप्टिमिज्म दैट यू कुड हैव, यू नो। बट सुधांशु, आई डोंट नो इफ यू हैड द सेम ऑप्टिमिज्म जब ये शो शुरू हुआ था, बिकॉज उस टाइम पर जब हम चीजें साइन करते हैं, हम बस होप करते हैं कि यार बस ये हो जाए, यू नो, एंड देन उसका अच्छा होना वो लक की बात होती है ना, लक की बात होती है 100%, स्पेशली इन टेलीविजन वेयर देयर आर सो मेनी शोज बीइंग मेड। बिल्कुल, आई वाज एक्चुअली, आई वाज शूटिंग फॉर अ वेब सीरीज कॉल्ड कैसीनो इन, आई रिमेंबर कैसीनो, मंत्रा के साथ, मंत्रा के साथ, अरे हां वहां पे उन्होंने काठमांडू, सो हम लोग वहां पे थे और मुझे राजन का फोन आया, बोलता भाई मैं स्टार प्लस के ऑफिस में हूँ, मैं ऑफिस से एक्चुअली बाहर निकल के तुझे फ़ोन कर रहा हूँ, यार एक शो, एक कॉन्सेप्ट है मेरे पास जो मैंने इनको बाउंस किया है, वो पहले स्टार भारत बोल रहे थे, बट अभी वो दे वांट टू मेक इट फॉर स्टार प्लस बिकॉज दे लाइक, दे लव द व्हाटएवर, एंड उसमें जो मेरा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है ना मेल, वो ना आई कांट सी एनीबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम यू इन दैट, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं इनको बोलता हूँ। तो मैंने कहा, मेरे को वन लाइन, तो उसने कुछ मेरे को ब्रीफ दिया था, मैंने कहा मैं आता हूँ और मेरे को सुना दे थोड़ा सा, तो विल टेक इट फॉर, तो उसने जब मुझे सुनाया वो कैरेक्टर, तो आई वाज बोल्ड ओवर बिकॉज ही सेड कि, क्योंकि राजन मेरा बहुत पुराना मित्र है, उसने मेरे को ऑनेस्टली सब बता दिया, बोला भाई देख ये पहला ऐसा शो होगा जिसमें इंडियन टेलीविजन पे हमेशा हीरो जो होता है टिपिकल मर्यादा पुरुषोत्तम होता है, एकदम बिल्कुल, मतलब कुछ भी हो जाए मर्यादा उसकी नहीं खत्म होती है, बट ये कैरेक्टर रियलिस्टिक है, ग्रे है, और ये पहला ऐसा कैरेक्टर होगा, आई कैन गारंटी यू कि सब वो डेफिनेशंस तोड़ देगा, एंड आई नो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, तो बोला कि आई वांट यू टू डू दिस, एंड आई वाज सो बोल्ड ओवर, आई सेड यार ये बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है, लेट्स डू इट। फिर मैं थोड़ा घबरा गया, हाँ बोलने के बाद फिर मैंने अपने एस्ट्रोलॉजर्स को फोन करना शुरू किया, फिर उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा है, पट्टी भी है। I was just going to say, उस दौर में जब सब OTT की ओर भाग रहे थे, you showed a different decision. You said कि मैं टीवी साइन करूं। I've done that all my life actually. When I was doing films, I was doing very good. मेरी दो फिल्में रिलीज हो चुकी थी और उस टाइम पे मैंने बैंड ऑफ बॉयज शुरू कर दिया। जी हाँ। तो मैंने ऐसी ऐसी छलांगे मारी हैं कि मतलब वो नॉर्मल चीज मैंने कभी नहीं की है लाइफ में, हमेशा कुछ ना कुछ अतरंगी, कुछ ना कुछ ऐसा अजीब सी छलांगे मैंने मारी है कि दुनिया में नॉर्मल आदमी कोई नहीं करेगा। तो अभी जब OTT में कर रहा था, 5 सीरीज में कर चुका था और उसमें से 3 तो अच्छा कर चुकी थी, बहुत अच्छा कर चुकी थी, उस टाइम पे मैंने आज से 3 साल पहले डेली शो, मेरी जिंदगी का पहला डेली शो करने के लिए हाँ कर दिया। थोड़ा घबराया मैं बाद में, बट फिर मेरे आई वॉज कन्विंस कि नहीं, आई थिंक आई एम टेकिंग द राइट डिसीजन, एंड राजन बीइंग राजन शाही, द ऑल्सो द नंबर वन प्रोड्यूसर ऑफ टेलीविजन, बट ऑल्सो इज अ वेरी क्रिएटिव एंड पैशनेट गाय, एक्सट्रीमली पैशनेट, एंड आई न्यू आई वॉज इन द राइट हैंड्स, एंड बस उसके बाद वो कहानी शुरू। एंड टुडे आई थिंक टू माई सेल्फ, कर यार यार मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता तो मैं कितना गलत होता, because I knew that we were going to make a good show, I was very sure about that, I knew what I am going to bring on the table as an actor, I also knew that, but obviously the success of the show is purely a blessing, it's a karmic blessing, I think everybody's karmic blessing that it has become what it has become. Bilkul. Not every show becomes a cult the way this show has become, it's a cult show, and I don't think there'll be any show close
to this for many, many years. Bilkul, absolutely. Congratulations on that. Ke, are you guys all a big happy family? Is it true ke jab aap roz ek set par jaate ho, roz ek show karte ho, I am experiencing that a little bit because I'm going on a daily basis. Ho paata hai sabke saath, you know, ek family ban ke rehna? 3 saal hone wale hain to. It's going to be 3 years, you know. तो शुरू शुरू में एवरीबडी हैज देयर बेस्ट फेस फॉरवर्ड, यू नो, सब अपना सबसे बेस्ट रूप सामने लाते हैं, दे आर द बेस्ट वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स, एंड ऑफ कोर्स पर धीरे धीरे जब हम काम करते रहते हैं, महीनों हो जाते हैं, फिर तो सालों निकल गए, तो कई बार ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं जो यू नो गलती से आपस में शायद कुछ नोकझोंक हो जाए, विच इज़ वेरी नेचुरल. हम जैसे फैमिली में भी होते हैं तो हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी पूरा टाइम तो वी आर नॉट ऑल स्माइलिंग एंड इट्स नॉट ऑलवेज रोजी, राइट? कभी ना कभी हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं अननोइंगली, फिर बाद में सामने वाले में से कोई ना कोई रियलाइज़ करता है कि नहीं शायद ओवरबोर्ड हो गए कोई ना कोई, तो एक सॉरी सरी हो जाती है. सो देन इट्स ऑल इन गुड टेस्ट, यू नो, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि इट ऑल स्टेज वेरी हैप्पी हैप्पी ऑल द टाइम. एंड ऐसा होना इज़ बेटर बिकॉज दैट्स वेन हमारे सबके इक्वेशंस एक दूसरे के साथ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और रियल बन जाता है वो पूरा एक जो यू नो एक रिलेशनशिप शेयर करते हैं हम अपने को एक्टर्स के साथ. रो दो फिर मैं हूं ना काव्या, तुम्हारे आंसू पोंछ लेगी वनराज. अच्छा अच्छा, ये इस शो का एक व्हाट्सएप ग्रुप है? नहीं. हाँ, अरे नहीं, अच्छा तुम नहीं, कास्ट का नहीं, कास्ट का नहीं. अच्छा उसमें क्रिएटर्स भी है यार, मुझे लगा तुम सब एक्टर्स की बात कर रहे हो. शो का है ना ग्रुप? हाँ है, पर वो नो इट्स सकता है. So cute, इसको पता नहीं है. तुम्हें पता है ग्रुप है? उस ग्रुप पे है. मुझे लगा सिर्फ एक्टर्स की बात हो रही, उसमें सब लोग हैं यार उस ग्रुप में. मुझे लगा सिर्फ ये नहीं है. It would be terrible to find out an interview है. ये गजनी हो जाती है. अच्छा अच्छा अच्छा, रियल लाइफ में आई नो द टू ऑफ यू हैव अ ग्रेट बॉन्ड, सो ऑब्वियसली दिस इज कमिंग फ्रॉम द शो. आर यू गाइस यू नो टेकिंग द शो एंड एक्सटेंडिंग इट फॉरवर्ड? हाउ व्हेन डिड यू ऑल बिकम फ्रेंड्स? ये मुझे जानना. अगर शो से एक्सटेंड करते ना तो पता नहीं कितने ऐसे बॉन्ड बन जाते वहां पे. आज की डेट में जेम्स बॉन्ड हो जाता हूं. बट ये दोस्ती इसे बनते बनते कितना वक्त लगा? शुरुआत में मेरे सारे सीन्स वनराज के साथ ही थे. फैमिली में तो मेरी एंट्री बहुत बाद में हुई है. सिर्फ मैं गेस्ट अपीयरेंस देती थी शाह हाउस में, बट वनराज के साथ सब कुछ था. और शुरू में क्योंकि इतना ज्यादा इंटरेक्शन एक साथ हो रहा था ना, एंड ही इज अ वेरी स्वीट पर्सन, यू नो, एक्टर को क्रेडिट दिया. हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट बिकॉज मेरे साथ सीन होते थे इसलिए मेरी दोस्ती हो गई, वरना तो और बहुत सारे अच्छे थे वहाँ पे. नहीं यार, वो धीरे धीरे सबके साथ भी मेरी इक्वेशन बनी, फिर वो बात अलग थी. बट एवरी डे ऑल डे हमारे सीन सबसे ज्यादा होते थे एक दूसरे के साथ. और ऐसा नहीं था हमारे सिर्फ रोमांटिक सीन्स होते थे, हमारे हर इमोशन पर सीन्स हमने किए हैं. यू नो इतने भारी भारी सीन्स किए हैं. वी डन रोमांटिक सीन्स, वी डन झगड़े वाले सीन्स, वी डन इमोशनल सीन्स, वी डन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, यू नो. तो करते करते आई थिंक बिकॉज बोथ ऑफ अस हैव ऑलवेज बीन ऑन द सेम वेव लेंथ एज ही इज अ वेरी गुड सोल. अच्छा है, दिल का भी अच्छा है. रियल लाइफ में नॉट वनराज, बट सुधांशु इज वेरी डिफरेंट देन हाउ वनराज इज. मैंने सुना है. हाँ, हाउ मच एवर आई हेट वनराज एज मदालसा, आई लव, आई लाइक सुधांशु एज मदालसा, यू नो. देखा तुमने इन्होंने क्या किया? क्या किया इन्होंने? शो का इज अ वेरी गुड सोल, तो सोल दिखा रहे जूते. अरे यार यही इनका ये, मैं मुझे हंसी नहीं आती अब इसी मूवी पे. आई एम वेरी यूज्ड टू इट. अच्छा अच्छा, ये इस सवाल का आज जवाब देना ही पड़ेगा. इफ यू आर ऑन रेडियो नशा, यू हैव टू नाउ टेल अस. सॉरी काव्या, सॉरी, लेकिन क्या वनराज और अनुपमा आर दे एवर गेटिंग टुगेदर अगेन? ये तो शायद राइटर्स को भी नहीं पता. सच में नहीं पता होगा. वो नहीं पता चलेगा हम लोग. आपको नहीं पता अब तक? मुझे नहीं, किसी को नहीं पता. राजन को खुद नहीं पता होगा. I'm telling you. वैसे इस पर एक पोल कर सकते हैं ना हम. हाँ, ऑडियंस जिसको लगता है कि हाँ, जिसको लगता है ना. ये देखो ये खुद बैठी है, ये पोल करवा रही है. तुम्हारे सामने लोग किसी और को वोट करेंगे. इट्स ओके. ये वो है जो घर का भेदी होता ना. हाँ, जो लंका ढाता है, ये वो है. ये वही है. मैं वो हूँ जो 8 साल तक एक रिलेशनशिप में थी, जानते हुए कि मेरा भी एक हस्बैंड था, तुम्हारी भी एक वाइफ थी. तो इट्स ओके, काव्या को इतनी आदत तो हो ही गई है. पोल करवाने में क्या है? क्या पोल करवाना चाहेंगे आप? आपको कितने लोगों को ऑडियंस में ऐसा लगता है कि वनराज और अनुपमा फिर से एक साथ हो जाएंगे? आपको ऐसा लगता है ऐसा होगा, या आपको लगता है कि वनराज और काव्या फिर से एक साथ हो जाएंगे? तो अपने विचार जरूर हमें दर्शाइए अपने पोल के द्वारा. तो इस वीडियो के नीचे लिखिए, इस वीडियो के नीचे लिखिए, बेइज्जती करने के लिए मोस्ट वेलकम. क्यों?
ओह माय गॉड, इस वीडियो के नीचे लिखिए कि कौन सा आप प्रेफर करते हैं. हाँ लिखिए प्लीज कि कौन सा आप प्रेफर करते हैं. आई वांट टू से वी आर हियर फॉर योर सॉन्ग. ओके, बट व्हाट आई लव इज दैट दिस शो हैज ब्रॉट यू ऑल टुगेदर. और अब आपने गाना भी निकाला है, अब आप शायद एक फिल्म भी कर लेंगे, ये मेरी दुआ है आपका. स्वीट, रियली आई रियली होप. अदरवाइज देयर नीड्स टू बी अ स्पिन ऑफ वेयर द टू ऑफ यू आर जस्ट यू नो एक पैरेलल यूनिवर्स में द टू ऑफ यू आर लिविंग एंड एग्जिस्टिंग. बट ऐसी जोड़ियां टच वुड बहुत कम बनती हैं. सो जस्ट एंजॉय योर रेन एज ईच अदर एंड आई थिंक दैट इट्स वेरी रेयर टू फाइंड वर्किंग पार्टनर्स जिनको आप ट्रस्ट करें, जिनके साथ आप काम करना चाहें. एंड इट्स अ ट्रू प्रिविलेज टू हैव अ पार्टनर लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट. यस, सो कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच रेडियो नशा फॉर स्टॉप करने के लिए. आई रियली अप्रिशिएट इट. थैंक यू रेडियो नशा.